हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टे ब्लेस्ड ऑल में। फ्रेंड्स, आज बनाया है मैंने आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता। ये देखने में जितना क्रीमी और टेस्टी लग रहा है, उतना ही ये रियल में था। यकीन मानिए, बहुत टेस्टी था। क्या आप भी ऐसा व्हाइट सॉस पास्ता बनाना चाहेंगे? एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। एक बार बनाएंगे और बाहर का सारा पास्ता भूल जाएंगे आप। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने नहीं किया है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो चलिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाना करते हैं शुरू। फ्रेंड्स, पास्ता हम तीन स्टेप्स में बनाएंगे। पहला स्टेप है पास्ता बॉईल करना, दूसरा है वेजिटेबल्स और तीसरा है व्हाइट सॉस बनाना। तो फर्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पेने पास्ता का यूज़ किया है। आप चाहें तो मैक्रोनी या किसी दूसरे पास्ता का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए पेने पास्ता को बेस्ट कंसिडर किया जाता है। दूसरा इन्ग्रीडियंट है नमक। फ्रेंड्स, पास्ते का अपना कोई स्वाद नहीं होता है, इसीलिए पास्ता बॉईल करते वक्त नमक डालना बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि पास्ता बनने के बाद में स्वाद में फीका ना लगे। लेकिन हम बॉईल करते वक्त बिल्कुल थोड़ी ही मात्रा में नमक डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालते हैं। तीसरा इन्ग्रीडियंट यानी सामग्री है आवश्यकता अनुसार पीने का पानी। पास्ता बॉईल करने के लिए गैस पर भगोनी रख करके पीने का पानी डालेंगे और उसमें एक कटोरी पास्ता डालेंगे। फ्रेंड्स, बॉईल होते वक्त पास्ता पानी को सोखता है, इसीलिए पानी का स्तर पास्ता से 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो आप एक्स्ट्रा पानी डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून का यूज़ किया है और 1/2 टीस्पून का आधा मैंने नमक भरा है। पास्ता बॉईल करते वक्त गैस की फ्लेम लो यानी सेम पर रहेगी। पास्ता बॉईल होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इसे बीच बीच में चमचे या स्पैचुला की मदद से धीमा धीमा एक बार घुमाएंगे, जिससे पास्ता बर्तन के तल से ना चिपके। जब तक हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है, तब तक हम सेकंड स्टेप यानी वेजिटेबल्स की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने ली है 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 गाजर, 1 लाल शिमला मिर्च और 1 हरी शिमला मिर्च। आप वेजिटेबल्स की मात्रा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। साथ में अगर आप इन वेजिटेबल्स के अलावा कोई दूसरी वेजिटेबल्स भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, या इन वेजिटेबल्स में से अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद ना हो तो उसे भी हटा सकते हैं। आप चाहें तो ब्लैक ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न्स यूज़ कर सकते हैं, येलो कैप्सिकम यानी पीले रंग की शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, बीन्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी वेजिटेबल आपको पास्ते में खाना पसंद है, आप उन सभी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सभी वेजिटेबल्स को रफली चॉप कर लेंगे। ये देखिए, मैंने वेजिटेबल्स को चॉप कर लिया है। फ्रेंड्स, रफली चॉप करने का मतलब ये होता है बिना किसी मेजरमेंट के बड़े बड़े आकार में काटना। देखिए, मैं आपको इसका साइज़ दिखा देती हूँ कि मैंने कितने बड़े आकार में वेजिटेबल्स काटे हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। फ्रेंड्स, वेजिटेबल्स की तैयारी करते वक्त ध्यान रखिएगा कि हमने पास्ता बॉईल होने के लिए गैस पर चढ़ाया हुआ है, इसलिए पास्ते पर भी नज़र बनाए रखिएगा और बीच बीच में स्पैचुला या चमचे की मदद से पास्ता को धीमी गति से चला ज़रूर देना, जिससे पास्ता बर्तन के तल से चिपके ना और पास्ता ओवर कुक ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। वेजिटेबल्स तैयार करते वक्त मैंने पास्ता बीच में चला दिया था, मैंने एक बार और चला दिया है। आप देख सकते हैं पास्ता हमारा काफ़ी बॉईल हो चुका है। यह चेक करने के लिए कि पास्ता अच्छे से बॉईल हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम एक पीस पास्ता का लेंगे और इसे किसी बर्तन में डाल करके चम्मच की मदद से काटेंगे। यह देखिए, बिना टूटे हुए यह आसानी से चम्मच से कट गया है। इसका मतलब हमारा पास्ता अच्छे से बॉईल हो चुका है। फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट में पास्ता अच्छे से बॉईल हो जाता है। अब आता है हमारा एक सीक्रेट। फ्रेंड्स, ये जो पानी है जिसमें पास्ता बॉईल हो रहा है, ये पानी भी हमारा पास्ता बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम इस बर्तन में से 1 कटोरी पानी निकाल लेंगे। इस पानी का यूज़ हम व्हाइट सॉस बनाते वक्त करेंगे। इस पानी से हमारी व्हाइट सॉस ज़्यादा क्रीमी बनेगी और अच्छी बनेगी। अब हमने एक बाउल लिया है और इसमें रूम टेम्परेचर पर पीने का पानी डाला है। रूम टेम्परेचर यानी कि पीने का पानी ना तो ठंडा है और ना ही गर्म। और इस छलनी की मदद से बर्तन में बॉईल किए हुए पास्ता को निकाल करके
हम उस बाउल के अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि पास्ता काफ़ी गर्म है और अगर हम इसे इस पानी के अंदर नहीं डालेंगे तो वो अपनी गर्माहट से और ज़्यादा पकेगा। बॉईल किया हुआ सारा पास्ता बाउल में डालने के बाद हम इस पानी को तुरंत बाहर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि पास्ता की जो कैरी ओवर कुकिंग होती है, यानी जो पास्ता अपनी गर्माहट से पकता है, उसे रोका जा सके। और दूसरा, ऐसा करने से आप देख सकते हैं कि हमारा पास्ता एकदम खिला खिला हुआ है, आपस में चिपका हुआ नहीं है, और जब हम इसे यूज़ करेंगे ये तब तक ऐसा ही खिला हुआ बना रहेगा। अब सेकेंड स्टेप में हमने जो वेजिटेबल्स कट करके रखी हुई थी उन्हें हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे एक चमचा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे और चमचे की मदद से हिलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ रिफाइंड कुकिंग ऑयल का यूज़ करना है वेजिटेबल्स को फ्राई करने के लिए। सरसों जैसे किसी दूसरे कुकिंग ऑयल का यूज़ नहीं करना है क्योंकि उन कुकिंग ऑयल्स का अपना एक फ्लेवर होता है और सब्जियां फ्राई करते वक्त गैस की फ्लेम बिल्कुल लो यानी सिंपल रहेगी। जब प्याज का रंग सफ़ेद हो जाए और थोड़ी पकी सी हो जाए तब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। सभी वेजिटेबल्स को चमचे की मदद से चलाते हुए गैस की फ्लेम को लो करके यानी सिम करके फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च के थोड़ा पकने के बाद हम इसमें डालेंगे अपनी लाल शिमला मिर्च और गाजर, और फ्राई करते वक्त चमचे की मदद से लगातार चलाते रहेंगे, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान दें, रिफाइंड कुकिंग ऑयल की मात्रा आपको वेजिटेबल्स के अनुसार ही लेनी है क्योंकि अगर आप ज़्यादा कुकिंग ऑयल का यूज़ करेंगे तो वेजिटेबल्स व्हाइट सॉस में अच्छे से कोट नहीं हो पाएंगी। वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई करने के लिए और उसमें थोड़ा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने यहाँ 2 चुटकी नमक यूज़ किया है। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने स्टेप थर्ड यानी वाइट सॉस की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 3 चम्मच मैदा। यहाँ मैंने मेज़रमेंट के लिए स्टेनलेस स्टील की चम्मच का यूज़ किया है जो हम अपने घरों में आमतौर पर यूज़ करते हैं। 3 स्पून बटर, मैंने यहाँ बाज़ार में मिलने वाले मक्खन का यूज़ किया है। आप चाहे तो घर में जो सफ़ेद मक्खन निकालते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखें, वाइट सॉस बनाने के लिए जो बटर और मैदे की क्वांटिटी है वो 1:1 के रेशियो में हो, यानी अगर आप 1 चम्मच बटर यूज़ कर रहे हैं तो 1 चम्मच ही मैदे का यूज़ होगा, 2 चम्मच बटर यूज़ कर रहे हैं तो 2 चम्मच मैदे का यूज़ होगा। स्वादानुसार सफ़ेद नमक। नमक का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान रखें कि हमने सब्जियों में भी 2 चुटकी नमक डाला था, साथ में हमने जब पास्ता बॉईल किया था तब भी हमने थोड़ा नमक डाला था, इसलिए वाइट सॉस बनाते वक्त नमक का इस्तेमाल ध्यानपूर्वक करें। बारीक पिसी हुई काली मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स। मैंने ये रेड चिली फ्लेक्स, जो लाल मिर्च होती हैं सूखी हुई, उन्हें कूट करके घर पर ही बनाया है, और थोड़ा सा ऑरिगैनो। साथ में चाहिए 1 ग्लास दूध और 1 कटोरी पानी जो हमने पास्ता बॉईल करते वक्त निकाला था। वाइट सॉस बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो यानी सिम पर रखेंगे और इसमें डालेंगे 3 चम्मच मक्खन जो हमने लिया था। ध्यान रखें, हमें मक्खन को यहाँ पर जलाना या भूनना नहीं है, इसे सिर्फ पिघलाना है, जिसके लिए आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए कढ़ाई को गर्म करके गैस बंद कर सकते हैं। मक्खन पिघलने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें 3 चम्मच मैदा और गैस की फ्लेम को दोबारा ऑन करके बिल्कुल लो पर रखेंगे और चमचे की सहायता से इसे लगातार हिलाते हुए मैदे को मक्खन में भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक मैदे से एक खुशबू आना शुरू ना हो जाए। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाती है हम गैस को बंद कर देंगे। फिर हम इसमें धीरे धीरे करके दूध ऐड करेंगे और गैस को ऑन करके फ्लेम को बिल्कुल कम पर कर देंगे। ध्यान दीजिए, दूध हमें एक बार में ही सारा ऐड नहीं करना है बल्कि हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध ऐड करना है और चमचे की मदद से इसे इस तरह से चलाना है कि इसमें कोई गांठ ना पड़े। इसी तरह से करते हुए इसका एक स्मूथ मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें बॉईल किए हुए पास्ते का 1 कटोरी पानी डालेंगे जिसके कारण हमारी वाइट सॉस और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगी और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पास्ता बनाने की पूरी प्रोसेस के दौरान हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम यानी कम पर रखा है, लेकिन अब वाइट सॉस बनाने की इस स्टेज पर आप चाहें तो गैस की फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं जिससे कि हमारी वाइट सॉस थोड़ा जल्दी बन जाए। हमें वाइट सॉस में चमचे को लगातार चलाते रहना है और जब तक चलाना है जब तक ये बन ना जाए। यह चेक करने के लिए हम अपने चमचे को लेंगे। देखिए, यह वाइट सॉस में पूरी तरह से कोटेड है आगे और पीछे दोनों तरफ से। हम चमचे का पीछे का हिस्सा लेकर के उसमें एक लाइन खींचेंगे और देखिए मैं इसे
ऊपर नीचे कर रही हूँ लेकिन लाइन पर कुछ नहीं हो रहा, लाइन जैसी है वैसी ही बनी हुई है। इसका मतलब हमारी वाइट सॉस पूरी तरह से बन चुकी है। आप चाहें तो वाइट सॉस में थोड़ी और क्रीमीनेस ऐड करने के लिए इस स्टेज में प्रोसेस चीज़ को भी कस करके डाल सकते हैं वाइट सॉस में। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च, थोड़ा सा नमक जो 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा कम है, 3/4 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून ऑरिगैनो। आप मसालों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अनुसार घटा या बढ़ा भी सकते हैं। और फ्राई की हुई वेजिटेबल्स डालेंगे। ध्यान दीजिए, सॉस जैसे जैसे ठंडी होती है वैसे गाढ़ी हो जाती है, इसलिए अगर आपको इस स्टेज पर भी अपनी सॉस गाढ़ी लगती है और आप उसे थोड़ा पतला करना चाहें तो आप उसमें गर्म दूध या गर्म पानी डाल सकते हैं। थोड़ी मात्रा में डालिएगा जिससे पानी और दूध ज़्यादा ना हो, और पानी और दूध डालने के बाद में सॉस में एक बॉयल ज़रूर ले लीजिएगा जिससे सॉस पक जाए। और आखिर में अब डालेंगे हम अपना पास्ता। देखिए ये इतनी देर रखा रहा है फिर भी हमारी ट्रिक के कारण ये अभी तक खिला हुआ है, आपस में चिपका नहीं है। सावधानी से चमचे की मदद से ऊपर नीचे करते हुए पास्ता को वाइट सॉस में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। ये देखने में ही कितना क्रीमी लग रहा है ना? यकीन मानिए दोस्तों, ये पास्ता बहुत ही स्वादिष्ट और क्रीमी बना था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप अपने घर पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक तो रेसिपी का स्वाद, फिर दूसरा आपके हाथों का स्वाद। ये पास्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिए गए थम्स अप बटन को दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस चैनल की बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं किया है इस चैनल स्टे ब्लेस्ड ऑल को सब्सक्राइब, तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बगल में दिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑल, एंजॉय द वीडियो।